अगर वहाँ गए और वहाँ पुलिस रही और वो अगर बोले कि भाई अलाउड नहीं है भाई, ऐसा मूड खराब होगा ना। ए बॉम्बलर रे भाई, इसके भी कॉलेज नॉट इज का मला अशा गोष्टी आवडतात। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ पे। हे ब्यूटी फैमिली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार मंडळी, तुम्हारा सर्वांचं स्वागत है तुमच्या लाडके भावाच्या चैनल मध्ये। फाइनली इतने दिनों बाद मैंने इस हथियार को हाथ लगाया है। मुझे लग रहा था कि मैं व्लॉगिंग भूल चुका हूँ, बट नहीं, मुझे याद है। देखो कितनी एनर्जी के साथ ये व्लॉग आ रहा है। बाय द वे, अभी मैं खड़ा हूँ अमृतांजन ब्रिज पे और यहाँ से नज़ारा देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ चुके हैं हम। और वो देखो, वो जो सामने जो पीक दिख रहा है ना, दैट इज़ ड्यूक स्नोज, और अभी पूरा का पूरा फॉग में कवर्ड है। एंड वो जो वहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ मिसिंग लिंक का काम अभी शुरू है। और ये नीचे यहाँ पे है एक्सप्रेस वे, और ये मैं खड़ा हूँ ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे। बाय द वे, मेरे साथ आज है लोनावला के बड़े व्यक्ति महत्व, जिनको आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। ये है लोनावला अपडेट्स। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, मतलब क्लोज टू 80K हो ही जाएंगे कुछ दिनों में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई को। तो इनके साथ हूँ मैं आज, और हम लोग आज जाने वाले हैं केपी फॉल्स। तो मेन मुद्दा व्लॉग का ये है कि आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं केपी फॉल्स। केपी फॉल्स जिनको नहीं पता है ना, तो मैं बता देता हूँ। वो नहीं क्या इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ है, वो ट्रेन जाती है पटरी पे से, ब्रिज पे से, एंड देन वहाँ से धबधबा इज स्प्रेडिंग फ्रॉम ऊपर। तो वो वाला सीन आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। रास्ता हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, बट एग्जैक्ट रास्ता किसी ने भी नहीं बताया। तो होपिंग कि मिल जाए रास्ता, बस मजा आएगा। बाय द वे, अभी मैं खड़ा हूँ अमृतांजन ब्रिज पे, और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जाएंगे खोपोली में, एंड देन वहाँ से अपना ट्रैक शुरू होता है। तो चलो इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके, गणपति बप्पा मोरिया। चलो, तो फाइनली अपनी जर्नी शुरू हुई है अमृतांजन ब्रिज से। और भाई साहब ये देखो साइकिलिस्ट, मेरी भी ऐसी एक इच्छा है कि मैं साइकिलिंग करूँ। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, वो है दत्त मंदिर। तो यहाँ से जो केपी फॉल का ट्रैक है वो शुरू होता है। ये देखो, ये है बरगद का पेड़। तो यही से ये जो ट्रेल है ना, ये फॉलो करते करते अपन को सामने जाना है। तो इतना तो पता है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो बस दो ही मिनट हम लोग वो बरगद के पेड़ से चल के आगे आए हैं ये वाली ट्रेल से, और सामने आते ही ये वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे लगी है। और देखो वो शेड दिख रहा है ना, दैट इज़ दत्त मंदिर। तो यही पानी जाके वहाँ से फ्लो होता है। तो अब ये क्रॉस करके ये सामने जो ट्रेल दिख रहा है ना, ये पकड़ के हम लोग जाएंगे। और जेनित वाटरफॉल अगर आप लोगों को जाना है ना, तो जेनित वाटरफॉल के लिए दत्त मंदिर के यहाँ से ही अंदर से ट्रेल है, एंड देन आपको एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, फिर आगे जाना पड़ता है। तो जेनित वाटरफॉल मैंने किया है एक्सप्लोर, इसलिए मैं बता सकता हूँ। बट अब केपी वाटरफॉल आपको दिखाऊँ क्या? ये देखो, यहाँ पे है केपी वाटरफॉल्स। ये जो झाड़ी है ना, इसके पीछे जो फ्लो दिख रहा है ना, दैट इज़ केपी वाटरफॉल्स। चलो लेट्स गो। तो यहाँ से ना आप लोग क्लियरली देख पाओगे केपी फॉल्स। ये देखो सामने ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, और वो जो वाटरफॉल हो रहा है, दैट इज़ केपी वाटरफॉल। तो अब यही ट्रेल अपन को फॉलो करते करते जाना है। बाय द वे गाइस, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। बहुत से लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते भी है, पर अगर जो नहीं करते उनके लिए, तो वी आर वेरी क्लोज टू 14K नाउ। सो प्लीज़ अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ जाके फॉलो करो, क्योंकि इतने दिन में जो गायब था वो वहीं पे काम चालू था, इसलिए अपने 14K होने आए हैं। और वहाँ पे ना डेली अपडेट्स, डेली रील्स में पोस्ट करते रहता हूँ एडवेंचर्स एंड यूज़फुल चीज़ों की। तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लो। बाय द वे, वी हैव लोनावला अपडेट्स, एंड उसके अभी 80K होने आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम एज वेल। चलो अब ये ट्रेल फॉलो करते करते जाएंगे, और ये जो केपी फॉल है इसका नज़ारा देखते देखते जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से ना
ना घर पे बैठा था तो पूरे नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, आगे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट द मोमेंट आई एम इन टू सह्याद्री, भाई साहब आई फील सो अलाइव, सो पॉजिटिव। इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है कि मैं ऐसा कंटेंट कर सकता हूँ, वैसा कंटेंट कर सकता हूँ। सह्याद्री वर्क्स लाइक मैजिक टू मी भाई, इसलिए ना मुझे ऐसी जगह पसंद है। बस एक चीज़ है कि थकान होती है, वो सब चीज़ें है, बट जो इंटरनली मेंटल पीस जो मिलता है ना भाई, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। बाय द वे अभी थोड़ी ही दूर आए हम लोग, 5 से 10 मिनट हुए होंगे ट्रैक शुरू होके। एंड पसीने देखो, एक तो रेनकोट भी पहना है, आज बारिश नहीं है बिल्कुल भी, तो ह्यूमिड भी हो रहा है। रेनकोट मैंने इसलिए पहने रखा है क्योंकि कैसा है, पेड़ पत्तों पे कुछ कुछ इंसेक्ट्स होते हैं तो वो लग जाते हैं ना, तो रैशेस वगैरह हो सकते हैं। तो मैंने हाफ टी शर्ट पहना है, गलती की है, तो इसलिए ये पहने रखना पड़ रहा है मुझे गाइस। थोड़ा ना पसीने को इग्नोर करना ये वाले व्लॉग में प्लीज़, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो पूरा पसीना पसीना, आई नो इट इज़ लुकिंग वेरी रिडिक्यूलस टू शो ऑन कैमरा, बट ठीक है, जो है वो है। एनीवेज हम लोग अभी वो जो स्टेप्स वाला पोर्शन है ना, जो कि थोड़ा रिस्की माना जाता है, तो वो स्टेप वाले पोर्शन पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। वही वाला जो ट्रेल है वो फॉलो करते करते हुए आए। एंड यहाँ से देखो पूरी खोपोली सिटी क्या भारी दिख रही है। एंड देखो वो ट्रेल पूरा फॉलो करते हुए आए, अब यहाँ से हमें जाना है। ये पूरा ना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, स्लीपरी है, मेरे शूज़ अच्छे हैं, ग्रिप अच्छा है, तो आई कैन डू इट। बट अगर स्लीपर्स वगैरह में आ रहे हो ना, तो भाई साहब थोड़ा ध्यान दे के आना। सो नाउ लेट्स एंजॉय दिस ट्रिकी पार्ट। देखो वहाँ से हम लोग आए अभी, एंड अब जाके यहाँ पे ऐसे स्टेप्स है रॉक कट, तो ये भी काफ़ी स्लिपरी है। और देखो यहाँ से नीचे ना पूरा खाई है, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, बट इट कैन कॉज डैमेज टू यू, तो थोड़ा ध्यान से ही चढ़ना। से क्लियरली दिख रहा है पूरा खोपोली सिटी का व्यू। ओहो अब यहाँ से पूरा ट्रेल जाता है आगे। एक ना आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ ट्रेकिंग करते वक्त, या फिर कहीं भी अभी आप लोग जा रहे हो ना, तो एक टिप ये फॉलो जरूर करना, देखना आप लोगों को बहुत ही यूजफुल पड़ेगा। जब भी ऐसा कोई स्लिपरी पैच दिखता है ना, तो डायरेक्टली पैर रख के उस पर फोर्स देके आगे नहीं बढ़ना। कभी भी पैर रख के थोड़ा सा उसे ना फील करना कि ये वाकई में स्लिपरी है या अपना शूज़ ग्रिप पकड़ रहा है। अगर ग्रिप पकड़ रहा है तो आप जा सकते हो, अगर नहीं पकड़ रहा है तो थोड़ा सा उसे अगर आप लोग घिसोगे ना, तो ऊपर का जो एलगी का सरफेस है वो निकल जाएगा, एंड देन माइट बी आपका शू ग्रिप पकड़े। अगर फिर भी नहीं पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ कहीं पर ट्राई करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं फॉलो करता हूँ। चलो तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब वापस यहाँ पे ऐसे ही रॉक कट स्टेप्स है, एंड देन बस इतने ही स्टेप्स है, इसके आगे वापस अपना जो नॉर्मल प्लेन जो सरफेस है वो लगेगा। तो लेट्स गो नाउ। ये देखो यहाँ पे भी मैं ऐसे चेक करता हूँ, एंड देन आई कीप माई स्टेप फॉरवर्ड। एंड कभी भी ट्राई करना कि ऐसे जगह पे पैर नहीं रखना। अगर आपको ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पैर रुक सकता है ना, वहाँ पे आप ऐसा पैर रखो, ताकि अगर स्लिप भी होते हो तो आपके पास एक वो सपोर्ट रहता है। चलो बहुत हो गई ट्यूशंस, अब लेट्स प्रोसीड। तो भाई मेरे से तो सहन नहीं हो रही गर्मी, तो
मैंने पूरा रेनकोट वगैरह निकाल दिया, ये देखो यहाँ टांग दिया है मैंने। और बाय द वे ये रही वो वाटरप्रूफ बैग जो अगर आप लोग इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता है ये वीडियो काफ़ी वायरल गया है ये बैग का, तो अगर आप लोग भी परचेस करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे रील है। बाय द वे वो वहाँ से हम लोग आए थे ऊपर चढ़ के, अब स्ट्रेट 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 यहाँ से जाएंगे और ये रही खोपोली सिटी एंड इसके पीछे साइड वहाँ पे है वाटरफॉल, तो अब यही फॉलो करते हुए जाएंगे। मेरे पास ना फुल स्लीव्स है, मतलब फुल स्लीव्स भी है और जो स्लीव्स होते हैं ना कट स्लीव्स जो मिलते हैं वो भी है, पर मैं लाना भूल गया। रेनकोट निकाला नहीं कि बारिश देखो कितने जोर से आ गए, वापस पहनना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ वैसे भी भीगना ही है तो पहन के क्या करूँ, सो बिग क्वेश्चन। फाइनली पहनना ही पड़ा गाइज, अब ऐसे ही चलेंगे भाई कुछ भी हो जाए, कितनी भी गर्मी आए ऐसे ही जाएंगे। हाँ ओके तो सामने आके ना थोड़ा एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ पे है। एक्चुअली जो वीडियोस वगैरह देखे ना उसमें बताया कि ये जो रिवर क्रॉसिंग है ना, ये जो दबदबा है, इसे क्रॉस करके अपन को वो साइड जाना है, बट अब वो क्रॉस कहाँ से करना है ना वो रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो ढूँढ रहे हम लोग या तो ऊपर से है या फिर वहाँ नीचे से। चलो लेट्स फिगर आउट। ये देखो वो रहा वो ब्रिज, वहाँ पे अपन को जाना है, बट अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से क्रॉस करना है। बाय द वे ये जो फ्लो है ना ये वही फॉल का है, जो केपी फॉल है ना उसी का फ्लो है ये पूरा। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमें कि अगर हम लोग ये जो स्ट्रीम है इसे क्रॉस करेंगे तो वो जो फॉल है उसके अपोजिट साइड में जाएंगे, जबकि हमें जाना है ये वाली साइड पर। तो अब ये महासंकट है, यहाँ पे अपोजिट साइड पे तो कहीं पे रास्ता दिख नहीं रहा है जो जाता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाके फिर वैसे वैसे करके जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगर सही रहा रास्ता तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो जहाँ से मैं बोल रहा था ना आप लोगों को कि रास्ता भटकने के चांसेस है, मतलब वो जो स्ट्रीम है उसको क्रॉस करना पड़ता है, तो शायद उसे क्रॉस नहीं करना पड़ता क्योंकि हम लोग वहाँ से ऊपर आए एंड देन वी फाउंड दिस एज अ मार्क। यहाँ पे देखो कवर लटका हुआ है ऑरेंज कलर का एंड यहीं पे उसके साइड में ही रास्ता जाता है पूरा, तो माइट बी दिस द करेक्ट रूट टू द वाटरफॉल। तो अब इसे फॉलो करते हुए जाएंगे, अगर सही रहेगा तो अंत में आप लोगों को पता लग ही जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड और पूरा व्लॉग देखना। गाई ग का मला अशा गोष्टी आवडतात ज्याच्यामध्ये माझा जीव निघतो, ती सायकलिंग पण आणि हे ट्रेकिंग पण, क्या करे पसंद हे तो करना पडते। गाइस केपी फॉल इज नॉट इजी, बहुत स्टीप है एक्चुअली, इसलिए ज़्यादा थकन होती है और मैं तो वैसे भी मोटा हो गया हूँ।
बहुत टाइम बाद में अभी ट्रैक कर रहा हूँ तो मेरी हालत तो बहुत लग गई है मेरी, लेकिन ये तो लुकड़ा सुकड़ा है, फिर भी ये थक गए थोड़ा, मतलब सोच सकते हो आप लोग कि इज नॉट ईजी बॉय। मुझे लगता है कि अभी हम लोग ना आधे रास्ते तक आ चुके हैं, अभी यहाँ से जाना है आगे एंड वो रही अपनी मंजिल। पसीना देखो, बैठे बैठे पसीना आ रहा है, रे देवा भाई भाई। अगर वहाँ गए और वहाँ पुलिस रही और वो अगर बोले कि भाई अलाउड नहीं है, भाई ऐसा मूड ख़राब होगा ना। आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि एक दो शॉट मिल जाए भाई, जो करने के लिए आए ना वो हो जाए, बस दैट्स इट। नहीं तो वैसे भी सह्याद्री में मज़ा तो आता ही है, ट्रैक करके मज़ा तो आ ही रहा है, बट ऐसा डेस्टिनेशन पे पहुंचने का एक अलग मज़ा होता है। चलो ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, निकलते अब। ओके, तो ये जो स्ट्रीम है ना इसे क्रॉस करके जाना है अपन को, वो जो नीचे थी वो नहीं, उसके साइड वाला ये जो रास्ता दिख रहा है वो पकड़ के अभी हम लोग ऊपर 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 आए, यहाँ से अब ये क्रॉस करके फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो ये है रास्ता, बहुत थका देने वाला रास्ता है क्योंकि पूरा स्टीप स्टीप ही है, कहीं पे आप लोगों को ऐसा प्लेन पैच नहीं मिलेगा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। कंटेंट मिल गया गाइस, कंटेंट मिल गया। बाय द वे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा डिजास्टर होने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैं बस मजा ले रहा था उसका, नो वरी। एंड फाइनली गाइज, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो डेस्टिनेशन मेरी आंखों के सामने है एंड ऑल द स्ट्रगल वॉज वर्थ। रुको अच्छे से दिखाता हूँ, इन 3, 2, 1 गो। केपी फॉल, और ये जो पानी गिर रहा है ना, दिस इज द धबधबा जिसके लिए इतना अट्ठास इतना स्ट्रगल किया है। बाय द वे अभी हम लोग आ चुके हैं ये वाली केव में, वो जो है ना वहाँ पे है ट्रैक और वहाँ से आते हैं हम लोग, तो वहाँ पे छोटा सा रिज है तो वो चढ़ के आप लोग यहाँ पे अंदर आ सकते हो। थोड़ा सा रिस्की है, नॉट दैट मच, बट यहाँ से ना वो ट्रेन वाला नज़ारा दिखता है और अभी जस्ट एक ट्रेन क्रॉस हुई, तो रील्स देखना भाई, इंस्टा पे फॉलो करो, प्लग इन कर रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। बाय द वे ये फॉल देखो, अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मस्त चाय और चाय पियेंगे। फाइनली दैट सुकून वाली फीलिंग। लोनावला अपडेट्स, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? इट्स अ नाइस व्यू। हिंदी मध्ये बोलला तरी चालेल, मराठी मध्ये बोलला तरी चालेल, आपले ऑडियन्स सगळं ऐकून घेतो। ओके खरंच खूप छान आहे, थोडा ट्रेकिंग थोडा रिस्की, थोडं नाही जरा जास्तच आहे ट्रेक, पण नाही इफ यू आर गॉन टू कातळदार वॉटरफॉल ना, तो चढ़ाई करते वक्त कितना ट्रैक करना पड़ता है, आई गेस उससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो इतना एफर्ट अगर ले सकते हो तो यहाँ पे ज़रूर आओ भाई, लेकिन थोड़ा रिस्की है तो उतना संभल के। तो गाइज ये सारे लोग ना खोपोली स्कूल कॉलेजेस के बंक करके आए शायद सब लोग, हम लोग जब ऊपर आ रहे थे तो हम लोगों को मिले, तो दे वॉन्टेड टू कम इन द ब्लॉग, सो हाई भी कहीं तरी बॉलर रे आस डायरेक्ट हो ना का मीच सबस्क्राइब करून ठेवतो,
बेल आइकन पर ऑन। देखो गाइस सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम चालू है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी चाय हो रही है बॉईल, ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक बार उबाल आ जाए अच्छे से। और लो आ ही गया, ये देखो क्या है, मस्त टेस्टी मस्त चाय बन चुके है, कड़क एकदम। अब पीते इस नज़ारे का लुफ्त उठाते उठाते चाय की चुस्की लेंगे। देखो गाइस लोकेशन इतना ब्यूटीफुल है और ये जगह पे अगर चाय मिल जाए तो क्या ही चार चांद लग जाएंगे भाई। और ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई है हमारी चाय, मस्त पे की पक भी गई है। और ये हमने किया गैस बंद, ये देखो ओ हो हो, ये हो गई गैस बंद। अब सर्व कर लेते हैं। और ये देखो क्या ही ज़बरदस्त चाय बनी, अभी मैं टेस्ट करके बता दूँ कि कैसी बनी है। भारी करो, भारी डाल लिया भाई, मेरे को लगा नहीं था मैं इतनी अच्छी चाय बनाऊंगा, लेकिन नाद खुड़ा चाय बन लिया गाइज। और ऊपर से ये नज़ारा, ओ हो हो, चेस चेस लोनाला अपडेट्स। ओ हो, मज़ा आ गया। आज का ट्रैक पूरा वर्थ था, पूरा का पूरा भाई। एंड ये चाय उस पर चार चांद। हम अजून आहे ना आपल्याकडे चहा, और भी है थोड़ा सा। वैसे वो जो बच्चे लोग थे ना, उन्होंने हमें बिस्किट ऑफर किया, तो क्रैक जैक का बिस्किट दिया है उन्होंने हमें। अब चाय हम लोग दूध ज़्यादा लाए नहीं थे, वरना उन्हें भी हम लोग पिलाते चाय, बट कोई बात नहीं गाइज, अगर आप लोग देख रहे हो तो सो सॉरी, दूध एकदम थोड़ा सा लाए थे हम, हमको पता नहीं था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, तो सॉरी। सारा थकवा सगळं जे स्ट्रेस होता ना सगळं निघून गेलं भाई, एकदम निवांत रिलैक्स वाटते। तो हम लोगों ने जो चाय वगैरह बनाया ना वो वहाँ पे बनाया। अब वहाँ से हम लोग आए हैं ट्रैक पे, देखो ट्रैक वहाँ पे है एंड यहाँ पे एक पाथ है, तो यहाँ पे चल सकते हो, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट सेफ। बट स्टिल जो वर्कर्स लोग हैं ना वो सब यहाँ से ही ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से वो जो सामने टनल दिख रहा है ना वहाँ से आके ये साइड, तो हम लोग इसी पे से चल रहे हैं। दिया है तो यहाँ पे आए हूँ मैं, और यहाँ से वो फॉल देखो, केपी फॉल्स कितना हाइटेड दिखता है। एंड इसके पीछे है वो केव जहाँ पे अपन लोग ने अभी चाय वगैरह बनाया। एंड ये रही ट्रेन, यहाँ से ट्रेन सॉरी ये रही पटरी जहाँ से ट्रेन गुजरती है। ये रही ट्रेन बनते हैं मैं ऐसे बम्बल होते रहते गाइस हैंडल इट। तो वो टनल है और एक वो टनल है, तो यहाँ पे आने के लिए ना दो तीन रास्ते हैं। एक रास्ता जहाँ से हम लोग आए खोपोली दत्त मंदिर, दत्त मंदिर से पूरा ट्रैक, तो ये जो रास्ता है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है और रिस्की है क्योंकि स्लिपरी हो चुका है। बट एक और रास्ता है जो कि ये वाले टनल से आता है, जो सामने टनल है ना वो मंकी पॉइंट वाले। बट द थिंग इज कि टनल बहुत ही ज़्यादा नैरो है, अगर बाई चांस गाड़ी वगैरह आती है तो दिक्कत हो सकती है। देखो दोनों जगह थोड़े रिस्की है, तो संभाल के ध्यान से आना, बस बाकी आपकी मर्जी। और ये नज़ारा देखो यार, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। बाय द वे गाइस, ये जो मेरे हाथों में ब्रेसलेट और रिंग देख रहे हो ना, ये रिंग है पाइराइट की, पाइराइट क्रिस्टल की। देखो क्रिस्टल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं लाइफ में, अगर आप परफेक्ट क्रिस्टल चूज़ करो अपने हिसाब से। तो आई हैव अ फ्रेंड टैरेट विथ रूपाली, आप इनका इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को बाय करने हैं ये वाले ब्रेसलेट्स तो आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट कर लो एंड देन यू कैन बाय दैट। फिलहाल तो ये व्यू एंजॉय करो। ये जगह ऐसी है ना भाई कि यहाँ से हिलने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखो अभी टाइम हो रहा है 3:49, हम लोग आए थे करीबन 2 बजे, दोन वाजले असं नरे आपण आलेलो, 1:30-2 बजे हम लोग यहाँ पे थे भाई। इतना टाइम पास, इतना एंजॉय किया है ना वेदर को आज, मज़ा आ गया। बीच में बारिश भी हुई, वाह वाह वाह, चाय भी पिया, मज़ा आ गया। We'll be right back.
इसी प्यारे व्यू के साथ ये वाला व्लॉग समाप्त करते हैं। आई होप सो आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनिंग और थोड़ा मज़ेदार लगा होगा ये व्लॉग। मैंने वैसा बनाने की कोशिश की है बट आई डोंट नो, अगर लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी। सर्वात जास्त तुमच्या घरच्यांची काळजी घ्या कारण ते सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहेत। सायनिंग ऑफ हेमंत राऊत, बाय 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 कर रे, बाय बाय, हाँ चला बाय बाय। फाइनली वी रीच्ड एट द बेस एंड मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये ट्रेक यहाँ से कर रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने किया था दत्त मंदिर से, खोपोली वाले दत्त मंदिर से, तो अपना जो रूट है ना वो मार्क करते हुए चलो या फिर कुछ ना कुछ मार्किंग्स जरूर करना, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आप वो रूट आते वक्त भूल जाओ। मतलब बहुत सारे रूट्स है ना तो भटक जाओ, ये आप लोग भटक सकते हो, तो मार्क करके चलना क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हमारे साथ भी दो तीन बार हम लोग भटके बट वी हैड द टेक्टिक्स की ये पॉइंट है, ये याद है, तो उस हिसाब से वो डायरेक्शन में चलना है। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आउटडोर्स में रहते हो ना तो आप लोगों को पता चलती है। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म। लाइक करना अगर भूल गए हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।